हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाहिद किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो पाव भाजी की है। ये पाव भाजी बिल्कुल बाजार जैसी बनती है, एक बार आप ट्राई करके देखना, बाजार जाना भूल जाओगे और घर में ही बना के खाओगे। तो चलिए बनाते हैं पहले भाजी। भाजी के लिए यहाँ पे मैंने 4 गाजर काट लिया, 3 टमाटर काट लिया, 1 छोटा सा गोभी का फूल लिया और 3 आलू अच्छे से काट लिया। अब इन सभी चीज़ों को हमने कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी और नमक डाल के उबाल लेना है मीडियम फ्लेम पे। बस 2 सीटी आने देना है और गैस को कर देना है बंद। अब गैस पे हम एक पैन लेंगे, पैन में हम 2 छोटे चम्मच ऑयल डालेंगे और 4 छोटे चम्मच घी डालेंगे। अब इसको कर लेंगे हम थोड़ा सा गरम। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद, थोड़ा सा चटकने के बाद, हम इसमें डाल देंगे 3 प्याज जो हमने पहले से ही काट के रख लिया था। देखिए इस तरह से हमने प्याज को काट लिया। अब इसको थोड़ी देर सुनहरा होने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। 3 शिमला मिर्च को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब शिमला मिर्च थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, इससे क्या कलर बहुत अच्छा आता है, और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा तीखापन भी चाहिए ना, तो इसलिए थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, कम 2 चम्मच के हिसाब से हमने इसमें एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब चलते हैं सब्ज़ी की तरफ। सब्ज़ी हमारी अच्छे से उबल गई है। अब देखिए पानी भी बिल्कुल सूख गया है इसमें। अब हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे और अब देखिए हमारी सब्ज़ी मैश हो गई है। अब हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है, तेल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इन सब्ज़ियों को डाल देंगे पैन में और अच्छे से चला लेंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, क्योंकि सब्ज़ियों में हमने पहले नमक डाला था। और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब चलिए हम पाव को रेडी कर लेते हैं। पाव को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है। तवा को मैंने लो फ्लेम पे रखा है और इसमें हमने डाला बटर और थोड़ा सा घी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच भाजी जो हमने रेडी करके अभी रखी है और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और पाव को इस तरह से काट के हम डाल देंगे। बिल्कुल मार्केट वाली फीलिंग आई। मार्केट में ऐसे ही देते हैं ना, जिस तवे पे भाजी बनाते उसी तवे पे पाव को तल के देते हैं, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट लगता है खाने में। तो चलिए अब हमारा पाव भी हो गया रेडी। अब हम आपको दिखाते हैं इसको सर्व करके। तो देखिए इस तरह से मैंने सर्व किया है और देखिए हमने इस तरह से भी सर्व किया है। देखिए इससे क्या मार्केट वाली फीलिंग आती है। तो आपको जिस तरह से सर्व करना है उस तरह से सर्व करके खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा।